स्कूल के 14 करोड़ के फंड्स अब दूसरे मंसूबों पर खर्च होंगे। स्कूल्स में बच्चों को सहूलियात की फराहमी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। साबिक दौर हुकूमत में सिर्फ 12% बजट सहूलियात पर खर्च किया गया। मस्कूरा फंड्स जून में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस, हुकूमत 88% फंड्स सहूलियात की बजाय कहीं और खर्च करे। स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात के लिए फराहम करदा फंड्स को फरीज कर दिया गया। फंड्स के लिए नित नए मनसूबाजात की मंजूरी लेना होगी। मजीद जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज बताइएगा। जी, सबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए के फंड जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज को करने के लिए जो है वो स्कूलों को फराहम किए गए। तो इसमें खतरनाक बिल्डिंग, इजाफी क्लास, बाथरूम, लाइब्रेरीज और साइंस लैब जो है वो बनाई जाने के लिए 12% जो है वो फंड सिर्फ यूटिलाइज हो सके और 88% फंड जो है वो नहीं खर्च किए गए, जिसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्त नोटिस लिया है और इस हवाले से फंड को जो है वो फ्रीज भी कर दिया कि अब ये फंड जो है मिसिंग फैसिलिटीज की बजाय दूसरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे, क्योंकि स्कूलों की नाहली की वजह से ये फंड मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो खर्च नहीं हो सके। फंड फ्रीज होने के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये हदायत की गई है कि अब जो नए मनसूबा जात होंगे उनकी मंजूरी जो है वो लेना होगी और वो मंजूरी लेने के बाद जो है फंड जो है वो दूसरे मनसूबा जात पर खर्च किए जा सकेंगे। जुनेद रियाज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।